घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कचकुमा कचकुमा चल चल चकरी बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी ना सा चौड़ी खाले कचौरी मैं हूँ चंदा तू छोरी आ जा कॉमन कॉमन अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है बिल बतौड़ी ना सा चौड़ी अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी आई एम सॉरी लुल हैलो लुल हैलो असी 420 असी 9211 तुसी 420 तुसी 9211 चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है हमारे फनकार कसम कुर्सी में मरे जकोटा जिन हैंड टू माउथ बिल बतौड़ी करनानी ये हमीद ये सारे बेचारे कसम कुर्सी की हालत में इनके पास कफन के पैसे नहीं थे ये वो बच्चे थे और कितना नाम किया उन्होंने जितना काम किए हमसाया मुल्क में किया होता ना तो हमारे पास हेलीकॉप्टर होता अब आपके सामने पैदल आ रहा हूँ गड़ी शो से मैं कुछ सामान लेके इतना हमने काम किया यकीन करें अभी सिर्फ आपको देखा है बचपन में चले गए हैं आपकी मोहब्बत है अब मैं उस वक्त तो बच्चा था अब तो मेरे बच्चे ही जवान हो गए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में आ गए मेरे बच्चे इतना बड़ा फनकार सरेआम मिल गया हमें जजाकल क्या हाल है भाई सर आप कैसे हैं ठीक ठाक आपको देख देख के तो नस्लें जवान हुई भाई बिल्कुल छोटे होते आपको देखते रहे आपने नहीं कहा नहीं मैंने खूबसूरत फिक्र है ये मैं नहीं कह सकता आज भी तीन चार बंदे बुजुर्ग की रीज़न है आपका फ़न जो है वो इतना ताबनाक और इतना जवान है कि वो हमेशा रहने वाला है आपने बचपन में हमें देखा है ना जी और आपकी मोहब्बत सच्ची और पक्की कोई किसी बचपन झूठ नहीं है उसमें मेरा बचपन था ना किसी का बचपन था कैसे हैं सर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र क्या नहीं दादी है कुछ नहीं बस हैरक वाला जिन कर रहे हैं अलहमरा में लाइव ईद के स्पेशल शो की तैयारियाँ कर रहे हैं जी हम उसके लिए वो कभी देखें आके आप जब दिल करे आप आए तो जो किरदार इस दुनिया में नहीं रहे उनको कैसे फिल किया जकोटा के बच्चे जो है इब्ने जकोटा कर रहा है इब्ने जकोटा कर रहा है जकोटा अरे वाह वाह वो अपनी जिंदगी में ही उसको रख गया था कर गए थे जी फिर बिल बतौड़ी का एक बेटा है करनानी चुएल की दो बेटियां हैं और मैं हूँ आप आइए किसी दिन फ्री ऑफ कॉस्ट है लाहौर आर्ट्स काउंसिल हमरा में हर इतवार को 2 बजे गेटो में आपसे मुलाकात होगी उल्लू लहलो उल्लू लहलो असी 420 असी 9211 तुसी 420 तुसी 9211 चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पहन है ठीक हो गया मुझे बताइए कि इस किरदार ने तो आपको अभी तक देखे ना अमर रखा है और हमेशा अमर रखेगा आप ज़ाती ज़िंदगी में भी ये किरदार हैवी हुआ कभी जी हुआ है असल में देखें ये किरदार मैं कुछ ना 30 साल से कर रहा हूँ इतना बड़ा ये किरदार हो गया हुआ है कि इससे बड़ा किरदार अब मुझसे नहीं होगा और ना ही किसी चैनल के पास होगा अब देखिए ना सोना चांदी आज तक उस करेक्टर में फंसे हुए हैं बाहर निकल सके हैं जान रैम्बो निकल सका वो छाप नहीं डायरेक्ट हवालदार नहीं निकले फनकार की वो छाप उसमें ये और ये फनकार अरफान खुसर का अंधेरा उजाला वो उससे बाहर नहीं आया डायरेक्ट हवालदार मोमो आज तक मोमो खिला रही है नाम नहीं पता जब किसी फनकार को ये नाम मिल जाता है तो ये खुदा का आप कहना ये चाह रहे हैं कि फनकार का ऐसा किरदार जो उस पर छाप लग जाए वो अमर हो गया वो अमर हो गया ये हर किरदार के हिस्से में नहीं आती हज़ारों देखे ना किरदार हैं एक्टर हैं लेकिन ये छाप चंद एक के पास ही है दर्जन के हिसाब से ज़्यादा होंगे लेकिन आपका उसमें रोल बड़ा खतरनाक था जी नेगेटिव रोल था नेगेटिव तो आपने इसी में लिव किया इसी में जिए आप ये पहला नेगेटिव रोल था जो बच्चों में हिट हुआ है और बच्चे प्यार करते थे बस वो कहते थे जकोटा को कुछ ना कहें नस्तूर को लेकिन उनका दिल धड़कता रहता था लेकिन हाँ वो ये कहते यार आपने आना भी ज़रूर है आपके बगैर बहन भाई के बगैर मज़ा नहीं आता वो अयो अयो वाले उनका वो तो गयूर अख्तर थे अयो नहीं 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 अब उनकी फीलिंग कैसे की है उनका सामरी जादूगर का बेटा हमजा जो है हाँ। वो अपने बाप का रोल करता रहा कुछ अर्सा अब उसको मुलाजमत मिल गई है अयो जिनके पास था वही बिल्कुल जी अच्छा उन्होंने निभाया था गयूर भाई बहुत अच्छा वो अपना काला जाओ है वो थे जी सामरी जादू नागरिक रहमत करे गयूर भाई को देखें कितना आला बहुत बढ़िया उन्होंने ये वो लोग थे जिन्होंने ड्रामे को जिंदा रखा इसमें जमील फखरी जमील बिस्मिल हाजी अल बेला जेबा शहनाज राशिद महमूद ये वो नाम थे कि जो सुपर थे और इन सब की वजह से ड्रामा हिट हुआ आपकी इंस्पिरेशन कौन था एक्टिंग में किसको आइडियलाइज आपने मैं किया उस वक्त सुहेल अब ख्याम सरहदी थे कवि खान ख्याम सरहदी और अब सुहेल अहमद ये पीक ये हाँ इनको मैं अंधाधुंध प्यार करता था और फिल्म की दुनिया में किसे फिल्म की दुनिया में कोई नहीं वो मेरे ताया जान थे आसिफ जा जिन्होंने अपना बड़ा कॉमेडी फिल्म बनाई उन्होंने शेख चिली बनाई सिकंदरा बनाई फरंगी बनाई फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है जी फिल्म मेरी जो थी वो शेख चिली जी वो सबसे यो नहीं मेरा दिल तड़के ना लिया सिंगर कौन पसंद था सिंगर मुझे नाहिद अख्तर बहुत पसंद नाहिद अख्तर कुछ उनका गुनगुना सकेंगे नहीं नाहिद उसकी आवाज़ में मैं नहीं गुनगुना नहीं उसकी आवाज़ में तो नहीं उसके कोई और कुछ गुनगुना दें सर उसका हर गाना बहुत अच्छा था यहाँ इसके बाद फिर अनैसन भट्टी साहब थे जो ज़बरदस्त थे एक एक माने
वो ये मामला। अभी मुझे ये बताइए कि और भी कोई आप किसी और किरदार में भी हैं, कोई और काम भी कर रहे हैं? जी अभी पीटीवी ने नई सीरियल शुरू की है तशरीफ लाइए, उसमें टोटल एक डिफरेंट रोल है मेरा सीआईटी इंस्पेक्टर का, जस्ट लाइक गेस्ट हाउस जिस तरह आपका था उस तरह का। पहला एपिसोड ऑन एयर चला गया है और रिटर्न ऑफ नस्तूर हम बना रहे हैं, उसके 20 एपिसोड की एडिटिंग हो चुकी हुई है। इंशाल्लाह बच्चे नए एनिमेशन के साथ वो भी देखेंगे जस्ट लाइक हैरी पॉटर। अच्छा आपने ये नहीं देखा कि ये इतनी लंबी इसकी अरूज की दास्तान है एनक वाले जिन की, कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप ही चीज़ है? इस तरह तो नहीं, बहुत कम होता है। गिनीज बुक में 200 में नाम आया था कि बच्चों का तवील तरीन ड्रामा बर आजम एशिया का, डेट इज़ एनक वाला जी। ये तारीख रकम हो चुकी है, इसके बाद इतना बड़ा रोल कोई नहीं आया। तो आपको खुद अपने आप को कभी ख्वाब में मिले उसी रूप में? मैं तो रहता ही हम ऊन जादूगर के किरदार में। घर वाले भी उसी किरदार से जानते हैं आपको? ड्रामे बच्चे मुझे हम घर में नेगेटिव तो नहीं किरदार ना? बिल्कुल नहीं, बच्चे जो है ना मेरे बच्चे, मेरा ख्याल घर में तो आप दस्तूर होंगे वहाँ हसीब पाशा जी। ये हमारे दौर के अमून ही है, हमारे दौर के अमून है ये। जगूटा होता था एक छोटा सा, वो शायद कराची के थे। आप कब देखते होते थे? मैं उस वक्त स्टूडेंट एज में था, यंग एज में था। 30 साल पुरानी बात है, सही कह रहे हैं। तकरीबन मैं 8th 9th क्लास में था। आपको याद है सब? तो मेरी माशाल्लाह से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, 20 साल सर्विस हो गई है मेरी। अब बच्चों को मैं इनके बारे में बताता होता हूँ, आज मिलके बहुत खुशी हुई है जी आपसे। और चार्ली मामू का किरदार कोई कर रहा है बीच में? चार्ली मामू खुद आ जाते हैं कभी कभी, और नस्तूर जी तो काफ़ी ज़ईफ नहीं हो गए? नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक फिट है। हाँ वो मुझे भी लोग कहते हैं ना कि तू इतना पुराना है। नहीं नहीं आप फिट हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वह कहता ना कि जिनों जादूगरों की उम्रें बड़ी। वैसे आपका आपका गेटअप भी कोई ज़्यादा नहीं करना पड़ता? नहीं पहले था जी, पहले हामू जादूगर का गेटअप बहुत हैवी था। वो उस वक्त मैं अपने आप को छुपा रहा था कि मैं बच्चों का ड्रामा ना करूं। अब आपकी जो जो उम्र ढली है थोड़ी सी, आपका गेटअप वही बनता जा रहा है जी, जो हाँ ये दाढ़ी मैंने ओरिजिनल रख ली है, पहले मैं आर्टिफिशियल लगाता था। अब वो कर लिया आपने? हाँ, उसको मदद रखते हुए हमरा में हर संडे को 2 बजे हम लाइव दिखाते हैं एनक वाला जिन। जब वहाँ से ख़त्म हुआ पीटीवी से तो अल्हमरा आ गए। अल्हमरा ने फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रखा हुआ है, आपके चैनल के तवस्से से जो भी सुन रहा है इतवार को 2 बजे अल्हमरा आर्ट्स कौंसल में आ जाएं एनक वाला जिन। आपकी उम्र कितनी थी फ्री जब देखते थे एनक वाला जिन? 20 साल 15 साल देखे जी सबको। बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसने ना देखा? ये कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि दोबारा पीटीवी पे दोबारा इसकी टेलीकास्ट हो। करे ये कर ले क्योंकि वो कहानियाँ सुनाते हैं तो वो देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। स्टेट चैनल ही चला दे दोबारा, वही चला दे उनका है वो, कि बड़ा दावा करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट है जी, हम आप हमारे आर्टिस्ट हैं। चलो आप ही शुरू कर दो, शुरू कोई नहीं करता, दावे सारे करते हैं बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा काम नहीं हो रहा। भाई करोगे तो होगा ना, कोई चैनल काम है रिपोर्टर से ज़्यादा हिट है। जिस वक्त इन्हों का ड्रामा चलता था ना वो मेरा ख्याल उतना उसमें राश नहीं होता था बाजारों में, बच्चों बाजारों में। एनक वाला जिन देखते थे आप? हमने तो बहुत पुराना देखा। ये कौन है भाई? ये अंकल है हमारे, और कौन है? अंकल है हमारे। मेरा नाम हामून जादूगर है, पतलून जादूगर नहीं है ना जी। ये तो आपका डायलॉग है जी, यही डायलॉग है। वो होती थी एक चुड़ैल होती थी, करमानी करनानी, बिल्ब थोड़ी ना से छोड़ी। हाँ जी चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, शोनिया शादियाँ पाली। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं मोटे नाक वाली, वो करनानी चुड़ैल। करनानी चुड़ैल उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार। यकीन करें अभी सिर्फ आपको देखा है, बचपन में चले गए हैं। आपकी मोहब्बत है। अब मैं उस वक्त तो बच्चा था, अब तो मेरे बच्चे ही जवान हो गए हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में आ गए हैं मेरे बच्चे। नहीं उन्होंने खुद को फिट देखे रखा हुआ माशाल्लाह सेम। बच्चों का प्यार है जी, सच्चा प्यार है बच्चों का। बच्चों की मोहब्बत मिलती रहती है तो हम जवान रहते हैं। अल्हमरा में जो करते हैं बच्चे आते हैं मोहब्बत करते हैं। फनकार को आप काम देते रहें, उसको दाद दे दें, उसको इमदाद दे दें ना, वो बूढ़ा नहीं होगा। हाँ ना पक्की बात है, कोई ना कोई काम इनको देते रहें और इनको पैसे देते रहें, ये फिट रहें। हमारे फनकार कसम कुर्सी में मरे हैं, जकोटा जिन हैंड टू माउथ, बिल बतौड़ी, करनानी, ये हमीद, ये सारे बेचारे कसम कुर्सी की हालत में, इनके पास कफन के पैसे नहीं थे, ये वो बच्चे थे। और कितना नाम किया उन्होंने, उसका एंड देखा है मैंने जी। बहुत बुरी हालत थी उसकी, बीमार हो गई थी, कोई उसका पूछने वाला नहीं था, बहुत बुरे हालात थे उसके। बड़े ख्याल नहीं करते, पूछा था कि कोई इनको बैग नहीं किया किसी ने कोई, इसने जितने बड़े ये एक्टर थे बच्चों के, यकीन करें बच्चों बड़ों की पसंद थी ये। जितना काम किए हमसाया मुल्क में किया होता ना तो हमारे पास हेलीकॉप्टर होता। अब आपके सामने पैदल आ रहा हूँ गड़ी शो से मैं कुछ सामान लेके, इतना हमने काम तो किया। ड्रामा लगता है टीवी से रश लग जाता है। क्या कह रहे? ब्लैक एंड वाइट टीवी था ना तो रश लग जाता, पता लगता है एनक वाला जेने ड्रामा लगना है। बड़ी बड़ी जाते कलर हो गया था टीवी,
अजीब हाँ, हाँ, कलर हो गया जब रिपीट में हुआ है। हाँ बिल्कुल 93 में शुरू हुआ था ये तो उन वक्त है कि हर बंदे को ना कलर वाला टीवी नहीं चाहिए दरवाजे वाला हाँ टीवी ब्लैक थे ब्लैक टीवी लोगों के हर घर में रंगीन टीवी नहीं था ड्रामा तो कलर था ये ठीक बात होता था। जब इनका प्रोग्राम लगता था ना तो मेरे अबू बड़े शौक से देखते थे तो हमें एंटीने पे बिठा देते होते थे एंटीने का सीधा ना हाँ। तो हम बैठ के वहाँ चीखे मारते थे हमने भी देखना है अब्बा देखते थे शौक से जी ऐसे ही सर वो यकीन करे बीमार हुए हैं 96 में उनकी तरह कभी सर कितनी दफ़ा हुआ है कि कैमरे पे आप आ गए हों बाई चांस और ये ऑडियंस इसी तरह इकट्ठी होगी उस टाइम हुआ कि आपने ये काबू कर लिया है वरना बकायदा प्लानिंग के साथ होता है चैनल्स पे जाते हैं। मैं अगर आपको अकेले में कहीं भी देखता आपको पहचान ले जाना था नहीं वो कह रहे हैं मैंने तो पहचान कह रहे हैं कि मेरा पहला मौका है कि टीवी के सामने इधर मैं आ गया आपने मुझे और मैंने जल्दी आते ही मैंने कहा कि भाई किधर जा रहे हैं ये पकड़ बाकी कहा को भी पकड़ लेते हैं माशाल्लाह छोड़ दिए इनके पकड़ लिए बहुत बड़े बड़े फैन है और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका मोहम्मद ये यकीन करें कि ये एक तो हमारी आवाज़ है आजकल इस महंगाई के दौर में ये हमारी आवाज़ है आप फनकारों की आवाज़ भी ये बनेंगे आपने जो भी इनको मैसेज देना है ये पहुंचाएंगे नहीं ये करते हैं जी नहीं इनकी वजह से फनकार जब ये बता देते हैं कि बिल बतौड़ी कीजिए हालत जकूटा की तो फिर हुकूमत जागती है फिर वजीले आला उनके एडवाइज़र फिर पहुँचते हैं चेक लेके कि अब दें अगर ये हमारी आवाज़ ना उठाएँ तो शायद हमें कुछ जाने ही ना हम वैसे ही मर जाएँ ये इनकी मेहरबानी रिहर्सल के बाद आपको स्टार्ट में ये करेक्टर कंसीव हो गया था ये मैं करेक्टर करना नहीं चाह रहा था मैं घर से हीरो बनने चला था मैंने कहा कोई बड़ा रोल करूंगा मैं तो इतना हैवी गेटअप मैंने किया कैमरेमैन से कहा वो मेकअप मैन से कि हसीब पाशा को छुपा दो उसने मुझे इतना हैवी गेटअप कर दिया जब मैं कैमरे के आगे गया तो वो सचमुच का हमून जादूगर लगा फिर 3 किस्तों के बाद वो इतना हिट हो गया कि मैंने उसे कंटिन्यू करने का फैसला कर लिया। अदरवाइज आपके जहन में अभी भी था कि ड्रॉप कर दें नहीं अब तो नहीं जी अब तो नहीं उस वक्त नहीं जब 3 किस्तों के बाद जब सारे अखबार उस वक्त का पेपर मीडिया का दौर था प्रिंट मीडिया का तो वो सारे अखबारों वाले आ गए जी वो मंत्र कौन पढ़ रहा है मंत्र पढ़ दें ज़रा उसमें मंत्र तो बड़े थे जकूटा कोई पढ़ दे घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कछ कुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी ना सा चौड़ी खाले कचौरी मैं हूँ चंदा तो छोरी आ जा कॉमन अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है बिल बतौड़ी ना सा चौड़ी अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी आई एम सॉरी सर बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम तमाशा हाँ ये कब लगता है ये आज 11 बजे नशर होगा लाहौर न्यूज़ पे विदाउट इंशाल्लाह विदाउट एनी ये हमून जादूगर का प्रोग्राम है इसलिए जल्दी हो जाएगा।